तो क्या हाल चाल है भाई सभी के। गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अपना नहा धो के बढ़िया सनस्क्रीन लगा के होटल की तरफ को निकलते हैं और दिखाते हैं आपको आज का सारा दिन क्या होता है क्या नहीं। कैब हमारा वेट कर रही है तो उसमें बैठ के फिर चलते हैं, दिखाते हैं आपको सारा दिन आज का। और 10 मिनट बाद ही 15 मिनट का ब्रेक मिल गया तो वही एंजॉय कर रहे हैं अभी। अभी आपने देखा ही होगा ब्रेड और कॉफ़ी बना के खुद ही खाई है। देखिए कैंटीन दिखाता हूँ आपको अपने, ये छोटी सी कैंटीन है हमारी यहाँ पर। तो गाइस मेरे को बार में एलोकेट करा है और अभी ये टिश्यू फोल्डिंग का काम किया है। ये देखो भाई लोग, वाइन का पूरा कमरा बना रखा है, एसी वीसी लगा के पूरा सब कुछ वाइन के लिए। हुक्का भी है ये रखा। तो ये प्राइवेट बीच है होटल का अपना, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या व्यू है। और यहाँ अद्भुत नज़ारा सारा समझ ही सकते हो आप। ये तुम्हारा भाई, तो ये कुछ पार्क का नज़ारा भाई लोग। ये सब सामने वो वाइन रूम है जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ का नज़ारा चेक करो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो होटल से आ गए थे आज शिफ्ट करके। पहला दिन था आज, अच्छा लगा, ज़्यादा मतलब भारी काम नहीं था, लाइट ही था, लाइट ही रखा। बाकी देखो आगे क्या होता है, मेरे को लगता तो नहीं है इतना आसानी से छोड़ देंगे, तेल तो निकालेंगे। फिर वहाँ से आ गए थे होटल से, उसके बाद मैं और जिम का यहाँ पे आसपास जो पूछ के आया रेट, तो 600 रुपीज़ फर्स्ट मंथ का बताया। ओल्ड स्कूल जिम है पूरा, हाँ तो पूरा ओल्ड स्कूल जिम है और लोहा पूरा वेट सारा सब कुछ। तो फर्स्ट मंथ की 600 है, बाकी फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो 400 रुपीज़ पर मंथ है। और अपना BCAA उठा लिया है ऊपर, EAA एसेंशियल एमिनो एसिड्स, और नीचे जो है प्रोटीन कैरी कर लिया। चलो बाकी दिखाता हूँ आपको। तो गाइस आपने जिम देख ही लिया होगा, बाइसेप का वार्म अप लेके बाइसेप वर्कआउट कर रहे हैं आज, हल्का ही करेंगे। और पहली एक्सरसाइज है डंबल कर्ल्स, देखिए। तो बाइसेप का हो गया वर्कआउट कंप्लीट, अब ट्राइसेप की बारी है। वार्म अप मैंने ले लिया है, ज़्यादा नहीं करेंगे, 3 एक्सरसाइज ही करेंगे, शॉर्ट हेड, मीडियम हेड एंड लॉन्ग हेड, दिखाता हूँ आपको। तो पहली एक्सरसाइज है अपनी ट्राइसेप पुल अप स्ट्रॉन्ग। तो भाई लोग हो गया वर्कआउट कंप्लीट, और मैं कोई गुरु नहीं हूँ, फिटनेस गुरु नहीं हूँ, बस जो आज तक सीखा है वो दिखा दिया। बाकी अगर कुछ गलत हो तो माफ़ कर देना और करेक्ट कर देना कमेंट्स में। तो वैसे आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मैंने अभी रूममेट से बोल के अपने करी बनवा दिए, वो खा के डिनर करके थोड़ा सा व्लॉग एडिट करना है मेरे को, तो सोने की तरफ प्रस्थान करते हैं। और अगर कोई भी कमी लगती है व्लॉग में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और थैंक यू फॉर शोइंग दिस मच लव।